बरेली के भोजीपुरा में गश्त के दौरान जल्लाल लाड़पुर के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश और सिपाही जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक भोजीपुरा थाने से पुलिस टीम नकटिया नदी की ओर गश्त करते हुए जारी, तभी जल्लाल लाड़पुर के जंगल में एक बाइक पर दो व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस के रोकने पर एक बदमाश ने फायर कर दिया। गोली सिपाही के बाएं बाजू में लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश के बाएं पैर में लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को पकड़ लिया, जबकि दूसरा मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। इसकी जानकारी देते हुए बरेली के SP ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। थाना क्षेत्र भोजीपुरा के नकटिया नदी के किनारे पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि यहाँ गौकसी की घटनाएं हो रही हैं। इस संदर्भ में थाना प्रभारी भोजीपुरा अपनी पुलिस टीम के साथ में यहाँ पर आज गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान ही इनकी बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश घायल हुआ है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक कंटीमेट पिस्टल और कुछ कार्टेजेस बरामद हुए हैं। उसको इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसके बारे में तस्दीक की जा रही है कि ये मोटरसाइकिल किसकी है। जो घायल अभियुक्त है उसका नाम मुख्तार, जो अंबरपुर थाना भोजीपुरा का ही रहने वाला है, और जानकारी करने पर वो गौकसी के दो मामलों में वांछित होना भी बताया गया है। उसकी अन्य क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी की जा रही है। साथ ही उसके कौन कौन से साथी थे जो मौके से भागे हैं, उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। तो ये थी बरेली से हमारे संवाददाता फजल उर रहमान की रिपोर्ट। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टुडे जो न्यूज़।